अच्छा घर में हर बात में माँ की चलती है, लेकिन बच्चे को अगर कहीं बाहर जाना हो ना तो माँ बाप पे डाल देती है, बाप से पूछ ले वो बोलते तो चला जाए, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। true, true. बच्चा पूछता ही नहीं बाप से, उसको पता है जो बाप इनसे बिना पूछे बाथरूम नहीं जाता मेरे को क्या ऑर्डर देंगे ये। भगवान ना करे आपके साथ कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाए, हमेशा माँ की याद आती है। स्कूल में भी जब टीचर मारता था ना, आई मम्मी, मम्मी की याद आती थी ना, पर ये कर मम्मी मार रही हो तब भी माँ, हमेशा छोटे बच्चे को देख रहे कभी माँ मारेंगे ना तो बच्चा माँ से लिपट जाता है मम्मी। अगर बच्चा अपने बाप से बोले पापा बचा लो, बाप नहीं बचा पाता, बोलता मेरी माँ नहीं बचा पा रही मुझे इससे, मैं तुझे क्या बचाऊ। अच्छा माँओं का ना कभी कभी ना दिल बड़ा ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे में बहुत ज्यादा भड़क भी जाती है ना, खुद नहीं मारती, पति को भड़का देती हैं। मैंने कहा जी तुम भी ध्यान रखा करो इसका, मोहल्ले के लौंडों के साथ रह रहा के गाली देना सीख गया। बाप अगर एक कान पे लगा ना फिर बीच में आ जाती, ये कुछ तरीके इतनी सी बात में बच्चे को मारते, इतनी इतनी गलतियों पर थप्पड़ पड़ते ना तुम्हारा मुंह तोड़ देता हमारा ससुर, फिर नहीं बर्दाश्त करती। अपना बच्चा अगर माँ को रोता हुआ दिख जाए, वो रोता हुआ नहीं देख सकती, किसी ने बाहर एक थप्पड़ मार दिया ना ऐसे दुपट्टा बांध के चंडी की तरह लड़ने चली जाती, हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, दांत तोड़ दूंगी। लेकिन यही बच्चा अगर माँ पोछा लगा रही और गंदे पैर छाप दे तो पैर से बड़ा बड़ा छापा हाथ का लगाती फिर नंगी पीठ पे, ये माँ का प्यार है। ममता ममता में भी बड़ा फर्क होता है, आप देखना अपना बच्चा जब बेड पे सुसु कर देना तो माँ टेंशन में आ जाती है कि सपने में कहीं डर तो नहीं गया ये बच्चा, पूरी छानबीन करती कि क्यों। दूसरे का बच्चा कर देना माँ बदल जाती है, इतना सुसु ये लोग खिलाते इतना है, जब से आया 5 लीटर तो दूध पी गया सुसु ही करेगा। अरे जो पढ़ी लिखी माएं होती ना वो तो अपने बच्चे को शुरू से कुछ ना कुछ सिखाती रहती बॉडी पार्ट्स के बारे में, आईज नोज ईयर्स, ये क्या 1 ये क्या 2। हमारे जैसी माओगे ना हम तो डांट खा खा के सीखे हैं, अगर दोबारा हरकत मैं 2 कान के नीचे लगाऊंगी। बच्चे को 2 का भी पता चल जाता और कान सारी उम्र नहीं भूलता कि किसको कहते हैं। तरीका ये होता है। अच्छा आप शहरों में देख लो फ्लैट सिस्टम है, जगह भी कम है, जनसंख्या भी इतनी होगी, लोग एक ही बच्चा होता है आजकल तो, एक ही बच्चे को माए ना पूरे अच्छे तरह से नहला धुला के बच्चे के बाल सुखा के ड्रायर करके भेजती है। गांव खेड़ों में जहाँ 6-6 बच्चे वहां कहाँ ड्रायर व्रायर, वो एक साथ नहा के निकलते हैं, गीले गीले बालों में आधा आधा पाव तेल लगा देती हूँ सरसों का, वही तेल वाले हाथ मुंह पे, बच्चे के बाल भी चमक रही है खाल भी चमक रही है। 150 बच्चों में आपका बच्चा अलग ही चमकता है उसमें, इंसान का बच्चा लगता है ना नेवला कीचड़ में से निकला है। कई इतना तेल लगा के जाते ना बच्चे पीछे, इतना तेल लगा होता है जिस दीवार के साथ सटक के बैठते ना वो दीवार फिर 5-5 साल पेंट नहीं पकड़ती, दीवार चिपकलियां फिसल फिसल के गिरती हैं। देखना कई स्कूलों में लगा होगा ऐसे छापा लगा होता पूरा। आजकल ना मार्केटिंग का भी दौर है, लोग चीजें बेचते हैं ना उसे इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं, कभी आप ढाबे पे देखना लिखा होगा माँ के हाथ का खाना, आप ढाबे के अंदर चले जाओ इमोशनल होके, माँ जैसी कोई औरत नहीं दिखती, बाप जैसे मुड़े मुड़े दिखते हैं वहां पे, है ना, जो नान लगा रहे होते ना ऐसे कितने नान तेरे, हाँ बोलना माँ के हाथ का स्वाद आए ना आए किसी के बाप के पसीने का स्वाद जरूर आता है।